आज के वीकेंड के वार के पहले एपिसोड को देखने के बाद मैं दोस्तों एक गाना कहना चाहता हूं, उठो लाल अब आंखें खोलो, उठो लाल अब आंखें खोलो, सलमान खान पानी लाए मुंह हाथ धो लो। भैया ये गाना किसके लिए है? ये जैस्मिन के लिए है। ये दोस्तों उन सोए हुए कंटेंडर्स के लिए है, जैसे निशांत मलकानी के लिए है या फिर बाकी के और इजाज खान के लिए है, जहां पर सलमान खान ने झकझोर दिया, पूरी ताकत लगा दी कि उठो कुछ तो करो यार, इतना पैसा लगाया है तुम्हारे पीछे तो तुम इतना पैसा वेस्ट कैसे कर रहे हो, वो भी तुम मतलब कि निशांत जैस्मिन तुम लोग जो कि एक कलर्स का फेस है, जो कि आगे ले जाके जा सकते हैं, टीआरपी हाइक कर सकते हैं, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो, जागो यार। सो बेसिकली आज के एपिसोड में दोस्तों बहुत सारी मैं बातें करने वाला हूं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सीनियर्स ने ये जो फैसला लिया है निकी का, क्या ये सही था या गलत? अभिनव का डिस्क्वालीफाई हो जाना, क्या ये सही था गलत? प्लस क्या ये सारा और निकी के बीच में जो चल रहा है, सारा ने आज जिस तरीके से टास्क किया, वो सही था गलत? पवित्र पुनिया की बात बताऊंगा, रुबीना और किस तरीके से मेरा दिल रुबीना और अभिनव ने आज जीता वो भी बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम लेट्स बिगिन। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल बोझ, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल फीफा फूज में। क्यों? क्योंकि बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। दोस्तों चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सिंगल टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हम जंप मारते हैं आज के टास्क में। हम क्या देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं आज कवर करना चाहता हूं, दिल से कवर करना चाहता हूं, कि अगर आपने देखा नहीं था, अगर आप लोग देख नहीं रहे थे, तो आप अभिनव को किसके बेसिस पे जो है डिस्क्वालीफाई करते हैं? हम सब ने देखा, आपने देखा, मैंने देखा, दुनिया ने देखा है कि रुबीना ने जो पानी डाला वो अभिनव के पैर पे डाला, उसके ऊपर नहीं डाला, राइट, पैर पे डाला। वो वहां पे चीख चीख के कह रही है, लेकिन दियोल को मैं कहना चाहूंगा, दियोल ने यहां पर बिठाना चाहता था वो सारा को, इसकी वजह से उसने बोला अरे ये पानी डाल रही है, कैसे कर रही है, आप ऐसा कर नहीं सकते, जो कि फालतू था। आप खुद देख लीजिएगा, दोबारा से रिमाइंड करके देखिएगा एपिसोड, या फिर वुड सिलेक्ट में देख लीजिएगा, वुड में देख लीजिएगा, यहां पर साफ था। वही गौहर कहती है कि डिस्क्वालीफाइड, आप मदद नहीं कर सकते। हीना कहती है मैंने तो देखा ही नहीं, राइट। हीना वैसे खैर सपोर्ट भी कर रही थी स्टार्टिंग में, सिद्धार्थ शुक्ला तो उन्होंने तो देखा ही नहीं था। तीनों सीनियर्स की अगर मैं बात करूं तो कायदे से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वहां पे खड़े रहकर देखने की, लेकिन उन तीनों ने नहीं किया, तीनों अपने अपने कामों में बिजी थे, ठीक है, वो हम मानते हैं, चलिए सीनियर्स है। बट यहां पर अगर आप सारी चीजें देख रहे हैं, अगर आप डिस्क्वालीफाइड कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप दियोल के बोलने पर डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं, जो कि सरासर गलत है। उस बेचारे के साथ, अभिनव के साथ, जो कि इतना ज्यादा टॉर्चर वहां पे झेल रहा था, जो इतना ज्यादा उसके पूरा फेस लाल हो गया था, OMG लाइक, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकियों का नहीं हुआ, बाकियों ने भी बहुत अच्छा खेला, वो मैं आता हूं उस पर, लेकिन अभी मैं अभिनव पर हूं। तो बंदे ने यहां पर जो मेहनत करी, इन्होंने पानी फेर दिया, इन लोगों ने, तीनों ने जो है ऐसा डिसीजन दे दिया। और वहीं आप मदद नहीं कर सकते, रुबीना बाद में क्लियर करते हुए बोलती है कि मैं गौहर के पास गई, मैं हीना के पास गई, मैंने उनसे बात करी, सुन नहीं रहा था। और वहीं आज के दिन, एक तो मैं ना इन एडिटर्स की, ये जो एडिटर्स बैठे हुए हैं ना यहाँ पे पीछे टीम में, इनके ना से खटिया खड़ी करना चाहता हूँ, एक बार मिल जाएंगे मेरे को, मतलब हमको इतना ज्यादा एडिटेड पोर्शन दिखा देते हैं, बाप रे बाप। मतलब प्रोमो में वहां पे साफ बोल रही है गौहर खान कि मैं दूंगी तुझे मेकअप, तू टेंशन मत ले, निकी को बोल रही है, राइट। यहां पर सब एडिट कर दिया वो तो हमने रुबीना से सुना, या तो फिर वो हमें अंदर सुना जब वो अंदर बैठे हुए थे, राइट, निकी के इर्द गिर्द घेरा लगाकर बैठे हुए थे। तो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने क्यों नहीं दिखाया? आपने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उससे कहीं ना कहीं ये लगता कि निकी को फेवर मिल रहा है। निकी को वैसे ही सोशल मीडिया पे धमाल मचा हुआ है इसी बात का कि निकी को फेवर मिल रहा है। ऊपर से आप अपने ही चोर, वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, तो यहाँ पे आ जाता। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो अगर आप सारी चीजें दिखा रहे हैं तो ये भी चीजें दिखाइए, ये आपने जनता से क्यों छुपा के रखी। और मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप चाहे तो प्रोमो चेक कर सकते हैं जहां पे गौहर खान कह रही है ये बात, मैंने खुद उस पर वीडियो बनाई है, गौहर खान कह रही है ये बात कि तू उठना वा मेकअप मैं दूंगी मैं, इस तरीके से। सो अभिनव यहां पर उठा दोस्तों, उसका फेस लाल हो चुका था, ही वॉज लिटरली
यू नो शेकन अप एंड पूरी तरीके से टूट गया था वहां पे, वहीं रूबीना पागल हो गई एकदम से, बंदी इतना चिल्ला रही है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है ना, इनके बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो लाजवाब है। रूबीना के लिए मैंने एक चीज लिखी थी, रूबीना जो है वो गुस्सैल और तेज है, वही अभिनव जो है वो शांत और तेज है, और ये डेडली कॉम्बिनेशन है लिटरली। अगर ये दोनों एक बार अपने फॉर्म में आए ना, सबकी छुट्टी कर देंगे, क्योंकि ये इतना ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन है। बिग बॉस तक को इनको सोचना पड़ेगा कि इनको कैसे तोड़ा जाए, कैसे जो है हम इन दोनों को जो है इन दोनों के जुगलबंदी को खत्म करें। बंदे में मेरा दिल इतना पसीज गया, जो मैंने अपने स्टार्टिंग में बोला, दिल इतना पसीज गया इस सीन को पर्टिकुलर देखने के बाद। रूबीना यहाँ पर एकदम से है ना, जैसे घायल शेरनी होती है वैसे दहाड़ रही है, अरे हेल्प करो, डॉक्टर लाओ, ये करो वो करो, ठीक है कर रही है वो, वी एग्री विद दैट, अभिनव ठीक भी हो रहा था, लेकिन वो यहाँ पर इतना तेज चिल्ला रही है, अभिनव फिर भी उस पर कह रहा है कि बेबी काम डाउन, यू हैव टू नीड योर सेल्फ काम, ये बात कह रहा है बंदा, उतना प्रॉब्लम में है, दुख में है, लेकिन फिर भी कह रहा है। सोचिए कितनी मतलब यू गेटिंग इट, कितना अच्छा है कि अगर वो बिदक गई है तो उसको वो संभाल रहा है। और शायद से यही चीज जो है सलमान खान ने, मतलब कि ऑफ कोर्स टीम ने, क्योंकि सलमान खान जी के पास तो स्क्रिप्ट आती है राइट, तो यहाँ पर इसी वजह से मेकर्स ने उनको उनकी जोड़ी को तोड़ने के लिए सीधे कमेंट मरवा दिया, जो कि सलमान खान के थ्रू करवाया कि भाई ऐसा ऐसा बीच में इंटरफेयर मत करो, और उसका अलग गेम है वो अलग खेल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रूबीना का एक्सट्रीम फिर पता चलता, उससे फिर और झगड़ा होता, टीआरपी और मजबूत होती। सो दिस इज द पॉइंट, थोड़ा सा बिग बॉस देखा है ना तो उन्हीं की तरह खुराफाती सोच सकता हूं मैं। दो मिनट, एक सेकेंड, सॉरी, परसों के बाद से मैंने पानी रखना शुरू कर दिया है, वरना बाप रे बोलते बोलते वाट लग जाती है। ओके गाइस, मूविंग ऑन, अब बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पे सारा की। देखिए भाई, निक्की ने आज जिस तरीके से खेला, बंदी ने स्ट्रॉन्ग खेला, आई एग्री विद दैट, पर पवित्र पुनिया भी कम नहीं थी। पवित्र पुनिया ने भी जो खेला ना दोस्तों, वो दिल जीत गया। मतलब पवित्रा धीरे धीरे आ रही है। पवित्रा मैंने ही नाम रखा था लेडी बॉस का राइट, अगर आपने देखा होगा मेरे फर्स्ट डे के रिव्यू में, मैंने ही नाम रखा था लेडी बॉस का। यहाँ पर मैं पवित्रा के लिए कहना चाहता हूँ कि पवित्रा ने आज जिस तरीके से खेला वो शानदार था, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे लोगों ने भी उसको थोड़ा कम टॉर्चर किया। लोग जो है निक्की के पीछे पड़ गए थे, और ऑफकोर्स सारा जिस तरीके से निक्की को के मेकअप से लेकर सारी चीजें कर रही थी, वो साफ पता चल रहा था कि बंदी जो है वो अपनी दिल की भड़ास निकाल रही है, एंड शी इज सो जेलस। ऐसा लग गया, आज पता चल गया कि वो निक्की से जेलस फील करती है सारा। और प्लस ये दोनों, सारा और दियोल, ये दोनों मिलके निक्की के ही पीछे पड़े हुए, जो कि हमें दिख रहा है कहीं ना कहीं इनको ये महसूस हो गया है या ये पता चल गया है कि निक्की आगे बढ़ रही है, तो हम लोगों को इसको कहीं ना कहीं से टारगेट करना है, या फिर इस तरीके से खेलना है कि हम भी आए सामने। सो ये इनकी स्ट्रेटजी हो सकती है, वी हैव टू रियली वेट फॉर दैट, क्योंकि अभी हम इस पर कंफर्मेशन नहीं दे सकते, लेकिन जो हमने देखा आज के एपिसोड में या एक हफ्ते से देख रहे हैं, उसके बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कुछ सिनेरियो है, ऐसा कुछ सिस्टम है। ओके दोस्तों, चलिए जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। यस, हाँ, रूबीना ने आज सीनियर्स की जो है पूरी तरीके से स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं एक्सपोज करके सामने रख दी है, जनता के सामने और साथ ही साथ अभिनव और सारा के सामने। यहाँ पर वो क्या कहती है कि देखो ना, गेम समझ में आ जाएगा बेबी, शी इज वेरी स्मार्ट है, बाय द वे रूबीना बहुत स्मार्ट है, और उसको पता चल गया है कि क्या स्ट्रैटेजी हो रही है, किस तरीके से फेवर जा रहा है, किस तरीके से नहीं जा रहा है, किस तरीके से अगेंस्ट। आज मैं लिख कर दे सकता हूँ, आज अगर अभिनव को डिसक्वालीफाई नहीं किया होता ना दोस्तों, तो आज कहीं ना कहीं ये जो इम्यूनिटी अभिनव के पास ही रहती, एक निक्की के पास रहती, एक अभिनव के पास रहती, मुझे जैसा लग रहा है। नहीं, पवित्रा ने उठाया था ना निक्की को, तो यस पवित्रा के पास रह सकती थी, और अभिनव और पवित्रा के पास रह सकती थी टेक्निकली, अगर देखा जाए, अगर उसको नहीं, क्योंकि ही इज स्ट्रांग, वी ऑल नो दैट, ही इज सेंसिबल, ही इज मैच्योर। और ये जरूरी नहीं है यार, अगर आप हो हंगामा कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, गुस्सा दिखा रहे हो अपना, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। नो, आप स्मार्टली भी आगे बढ़ सकते हो। बहुत लोग, विकास गुप्ता स्मार्टली आगे बढ़कर गए दोस्तों, और पास के और भी बहुत सारे कंटेंडर्स हैं जो कि स्मार्टली मूव आगे, स्मार्ट, धीरे 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 कर, हितेन तेजवानी ठीक है, उनका वो जो गेम जो है खराब कर दिया था शिल्पा जी ने लास्ट में, मतलब एकदम से आउट कर दिया था, हमने देखा था वो, लेकिन वो भी स्मार्टली आगे बढ़ रहे थे, डिग्निफाइड वे में आगे बढ़ रहे थे, और वो कर रहे थे अपना काम। ओके दोस्तों, आगे फिर सलमान खान की मस्ती है,
अब दोस्तों यहां पर आया आज का एपिसोड का थीम, जो कि था जैस्मिन ओरिएंटेड थीम। जैस्मिन को बोला भैया कलर्स वाले जो है जैस्मिन, और उनका डेफिनेटली अच्छा है क्योंकि खतरों के खिलाड़ी और कितने कितने सीरियल कर चुकी हैं वो, उनके नागिन 4 में अभी आई थी वो। तो यहाँ पर जैस्मिन को बोला, जैस्मिन तुम पर इतना पैसा खर्च किया गया है तो तुम उठो, तुम लड़ो, तुम करो कुछ। जैस्मिन को इस तरीके से दोस्तों आप पूरे एपिसोड में अगर आपने देखा होगा, जैस्मिन स्टार्टिंग में भी थी, मिडिल में भी थी और एंड तक भी आ गई थी। वो एजाज के साथ जो लड़ाई हो रही थी वो एंड तक भी आ गई थी जैस्मिन का यहाँ पर। लेकिन एक मैं चीज कहना चाहूंगा, बंदी भले ही जैसी भी है लेकिन बंदी ने आज अपने दिल का परिचय दिया कि दिल की वो साफ भी है, मतलब थोड़ी सी इमोशनल है। इमोशनल इस सेंस में मैं कह रहा हूँ क्योंकि जैसे ही सारा को आंखों में वो जलन हो रही थी, उसको स्विमिंग पूल में छोड़ा गया, वो दूध ले आई, दूध से उसका साफ करी है। हाउ एडोरेबल इट इज, राइट? और जो अच्छा है मैं तारीफ करूंगा, जो बुरा है वो मेरी निगाहों से बच नहीं सकता, राइट? तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि जैस्मिन जो है दिल की साफ लग रही है। लेकिन अब जैस्मिन का भी सीन पलटेगा और जैस्मिन का रियल चेहरा, और भी ज्यादा रियल चेहरा सामने आएगा। और आज जो ये क्या कहते हैं एजाज और इसका जैस्मिन का हुआ, वो फालतू का था। दैट वॉज ऑल फालतू। एजाज कहते हैं अरे आपने बोला नहीं यार, एजाज भाई ये मैटर नहीं है, ये छोटा छोटा मैटर, खुद सलमान खान बोल रहे हैं, बड़े मैटर में बोलो ना, बड़े मैटर में बोलो, लड़ो एकदम अपने आप, सिंह की तरह जो है गर्जना करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर अभिनव की क्लास लगाई जाती है। मुझे ये पर्टिकुलर पॉइंट बोलना है, आई डोंट नो कितने लोग इस बात से सहमत होंगे या नहीं होंगे, बट ये मेरा व्यू पॉइंट है और मैं इसे चीख चीख के ही बोलूंगा कि यहाँ पर अभिनव की जो क्लास लगाई गई, स्पेशली वो जो स्क्रू ड्राइवर को लेकर करी गई थी ना दोस्तों, दैट वॉज ऑल पैथेटिक, दैट वॉज ऑल बुलशिट। मतलब यहाँ पर वो खराब हो गया, दैट्स बिग बॉस प्रॉपर्टी, राइट? अब यहाँ पर बिग बॉस की प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाने पे इतना सुनाया जाता है, बिग बॉस में लास्ट ईयर सलमान खान को झाड़ू वाड़ू लेकर बाथरूम वाथरूम साफ करने आ गए थे, बंदा वो सो जेन्युइन, ही वाज सो जेन्युइन टू आस्क कि स्क्रू ड्राइवर दे दो भैया, मैं घर पे कर दूंगा, घर पे रह के कर दूंगा। लेकिन आपने उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करने की कोशिश की है उसके कॉन्फिडेंस को, कहीं ना कहीं मे भी हो सकता है एक तरीके से जो कोई विनर दिख रहा है उसकी रास्ते में ये आ रहे होंगे तो उनको कहीं ना कहीं इसे डिमोटिवेट किया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये गलत था, मैं कंडेम करता हूँ इस बात का। उन्होंने अपने घर को सोच के ही, बिग बॉस का घर अपना घर सोच के ही उन्होंने जो है स्क्रू ड्राइवर का इंतजाम करने की बात कही थी, या फिर वो ये भी कर सकते थे उस चीज को हटा देते, लेकिन ही वॉज कंसर्न अबाउट दैट। इतने लोग वहां पे खड़े थे, किसी ने कुछ नहीं बोला बट उसने बोला, यू गेटिंग इट? तो यहाँ पर वो स्क्रू ड्राइवर वाली बात है ना, मुझे अच्छी नहीं लगी है, आपको पता नहीं कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये सिर्फ मेरे को ही बुरी लगी या फिर आपको भी बुरी लगी, राइट? ओके दोस्तों, फिर उसके बाद उनको भी बोला जाता है कि जगाओ, आप लड़ो, आप जो है रुबीना के मैटर में इंटरफेयर ना करो, जो कि मैंने पहले ही बोल दिया कि ये होगा ही होगा, क्योंकि रुबीना है एक्सट्रीम लाउड, शी इज गुस्सैल, वो फट जाती है, और ये ना वो कंट्रोलर है, रिएक्टर है, वो किसी तरीके से वो कम करने की कोशिश करते हैं। देन उसके बाद आते हैं रुबीना को, और रुबीना की भी आंखें खोल दी गई हैं कि अब अभिनव से आप जो है कोई एडवाइस नहीं लोगे, आप खुद इंडिविजुअल खेल सकती हो। एंड इस घर में इस वक्त अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो रुबीना इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ओपिनियटेड गर्ल, जिसका अपना खुद का ओपिनियन है। वो कहते हैं ना कि कुछ सच्चाई होती है जो सामने दिख जाती है, कुछ सच्चाई होती है जो जो है आंख बंद करके दिख जाती है, कुछ होते हैं कि आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो यहाँ पर रुबीना के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, वो ऑब्जर्व करती है और वो ऑब्जर्व करके फिर दहाड़ लगाती है। वो बंदी वहां पे जो लड़ रही थी उसके लिए, पेयर के लिए, वो निकी की तो भलाई कर रही थी, क्योंकि निकी का उसमें कम में सलवार सूट जो है वो एक आइटम माना जाता, और यहाँ पर उस चीज को मुद्दा बना दिया, घर वाले उसके ऊपर भड़क गए, बट उसने सॉरी भी बोला था। ओके दोस्तों, अब आती है इजाज भाई की बारी। इजाज भाई ने अपना जो एंगल खोला, सॉरी जस्ट अ सेकंड, हनी और गर्म पानी है, दूध इतना बोलता हूं ना तो क्या करूं, आवाज हो जाती है। हाँ, इजाज खान, इजाज खान की मैं बात कहना चाहता हूं दोस्तों। इजाज भाई ने यहां पर जो बातें बोली थी वो अच्छा है, ही इज वेरी ऑनेस्ट, और उन्होंने जो है सामने रखी है बातें। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वीडियो मैंने आज दिन में ही बना के आपको सबसे पहले बता दिया था कि ये हुआ था इजाज खान के साथ, इसीलिए वो शेल में है, बट अब वो शेल से बाहर आए, लेकिन जो वो बाहर आए वो बहुत ही बेवकूफी वाला था। मैं अभी भी कहना चाहता हूं
he is very strong, he is very strong minded, he has his viewpoints, but वो छोटे से मुद्दे को पकड़ रहे हैं, बड़े मुद्दे को नहीं पकड़ रहे हैं। और आज जब वो जैस्मिन के लिए बोलते हैं, दैट वाज ऑल छोटा सा मुद्दा। अब निकी को बोलो ना, निकी के पीछे पड़ो, क्योंकि निकी से आप कायदे से तंग आ गए थे, आपने बोला है कि आपको इरिटेशन होता है उससे, तो उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, उसको क्यों नहीं बोल रहे हो आप? देखते हैं एजाज भाई आगे आने वाले दिनों में क्या करते हैं, बट उम्मीद बहुत है उनसे और वो अच्छा खेलेंगे, इतना मैं उम्मीद लगाए रखता हूँ। ओके, ये हुआ, हाँ ये हुआ। फिर अभिनव का वो रॉन्ग डिसीजन था सीनियर्स का, वो भी मैंने बताया। अब दोस्तों मैं ना यहाँ पर एक प्रिडिक्शन करना चाहता हूँ। ये आज पहला वीकेंड का वार है और दिल से एक आवाज़ आ रही है, जिस हिसाब से ये गेम चल रहा है, जिस हिसाब से इतनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड वुमेन हमें दिखाई दे रही हैं ऑन स्क्रीन, तो ये मैं अभी से ही इस बात का ऐलान करना चाहूँगा कि इस बार सीजन का विनर, अगर ये लड़कियाँ ऐसे खेलती रहीं तो ये लड़की ही बनेंगी, कोई ये महिला ही बनेंगी। और मैंने अपने पहले रिव्यू में बोला था कि विमेन एम्पावरमेंट की मिसाल अगर देखनी है तो बिग बॉस के घर पे आके देखो क्या एक से एक स्ट्रांग लड़की आई है। निकी ले लो, निकी तंबोली ले लो, रुबीना ले लो, अपनी पवित्र पुनिया ले लो, ये भी अच्छी है अपनी, क्या जैस्मिन ले लो, और वो सारा गुरपाल वो ले लो, और कोई रह गया क्या? रह गया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। तो मुझे लगता है कि ये लोग इतना बेहतरीन खेल रहे हैं कि ये इतना अच्छा खेलेंगे आगे ना, ये ट्रॉफी जीत सकते हैं, ऐसी उम्मीद है, लग रहा है। चलिए अब दोस्तों यहां पर कॉलर ऑफ द वीक आ गया, वही अगेन कि निशांत मलकानी तुम्हारे पर इतने पैसे लगाए हैं तो कम से कम जाग जाओ भाई। देखिए अगर देखा जाए तो इस हफ्ते पूरे हफ्ते देखेंगे सिर्फ निकी तंबोली ने सर्वश्रेष्ठ खेला, उसने अपने पॉइंट्स रखे, इतने लोगों के 11 लोगों को जो है बात मनवाना अपने सामान के लिए, जो है इस तरीके से कन्विंस कर पाना, वो हर किसी की बात नहीं होती। निकी ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन कॉल उसको ही क्यों आया, निशांत को ही क्यों आया? क्यों? क्योंकि अच्छे खासे पैसे लगे हुए हैं दोस्तों। एंटरटेनमेंट अगर निशांत नहीं देगा तो क्या होगा? निशांत के लिए मैं कहना चाहता हूं, जिस हिसाब से वो स्ट्रांग बनकर आए थे ना, वो उसी हिसाब से स्ट्रांग बन के रहेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। अदरवाइज फिर वही वो आते हैं, फट फूटते हैं, फिर उसके बाद वो चले जाते हैं। उनको कंटिन्यूसली रखना पड़ेगा, उनको कंटिन्यूसली एक टैब रखना पड़ेगा, जो मुझे लग रहा है कि अब वो रखेंगे। और वो देख रहे हैं, वो राहुल वैद्य को कर रहे हैं, वो अच्छे बराबर तरीके से राहुल वैद्य को कैप्चर कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर आप लोग सभी कह रहे होंगे कि क्या सीनियर्स ने सही डिसीजन लिया, राहुल वो बताओ, वो ज्यादा जरूरी है। मैं कह रहा हूँ सीनियर्स ने एकदम से परफेक्ट डिसीजन लिया। देखिए क्योंकि इस हफ्ते पास, ये आप भी बोलेंगे, अभी देखिए हम सब जानते हैं कोई ना कोई फैन धीरे धीरे बनने शुरू हो गए होंगे अलग अलग कंटेंडर्स के, बट मैं ये कहना चाहता हूँ अगर आप ओवरऑल अगर आप पिक्चर को देखेंगे दोस्तों, तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे अच्छा तो निकी ने ही खेला है। निकी को फेवर्स भी मिले नो डाउट, लेकिन निकी ने उसको पाया भी है, उसने वो पाकर ही फेवर्स पाए हैं, अच्छा करके ही फेवर्स पाए हैं। सो यू कांट से दिस कि निकी ने अच्छा नहीं खेला, बट पवित्र को भी एक मौका मिलता तो वो भी जबरदस्त रहता, मुझे ऐसा लग रहा है पर्टिकुलरली। अब देखते हैं कल के दिन क्या होता है, कल का दिन बहुत ज्यादा शानदार होने वाला है। गलतफहमी के गुब्बारे फूटेंगे और सर वो कौन से सीरियल की कोई टीम आई है और यस इस तरीके से एंड कुछ पॉइंट रहेगा क्या? देखो या सब हाँ, इनमें ना पता नहीं क्यों फाइटिंग स्पिरिट है ना लैक लग रही है, स्पेशली लड़कों में। अरे आप टास्क खेल रहे हो, उसके दौरान कौन कौन एक्टिव था? ये जान कुमार सानू ये सब चले गए थे, वो मलकानी जी बैठ गए थे और क्या कहते हैं राहुल बैठ गया था, वो कम से कम लड़ते तो सही, कम से कम फाइट तो करते, पर फाइट ही नहीं किया। सो निकी ने अच्छा खेला, यहाँ पे अभिनव ने बहुत अच्छा खेला, पवित्रा ने बहुत अच्छा खेला, सारा अच्छा कर रही थी बट इवेंचुअली वो उठ गई थी। सो मुझे लगता है कि अब खेल और बढ़ेगा, अब सीन और पलटेगा और आगे आने वाले दिनों में अलग अलग कलाकार जो है अलग अलग तरीके से आगे बढ़ेंगे। चलता हूं मैं, अगर कुछ बातें करनी है सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ, RAHULBHOJ के नाम से, राहुल भोज के नाम से, फेसबुक ट्विटर इंस्टा, तो वहां मिलते हैं, बातचीत करते हैं यार। अब धीरे धीरे करके बिग बॉस की भी एकदम परवान चढ़ रहा है तो हम भी बात करेंगे, तो आइएगा जरूर और देखते रहिएगा फीफा फूज। नया हूँ चैनल में, सो मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट मटीरियल दूँ, सपोर्ट जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। चलता हूँ।